सो हाय फ्रेंड्स, आपका इंतजार खत्म हुआ, पार्ट टू वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पार्ट वन वीडियो में कि किस प्रकार से आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कंटेंट सोचने से लेकर उसको लिखने से लेकर सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के माध्यम से इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे मैंने कंटेंट ढूंढा, कैसे मैंने उसे लिखा और किस तरीके से मैंने उसको रिकॉर्ड किया, ऑडियो को रिकॉर्ड किया एंड देन कैसे मैंने वीडियो को एडिट किया। दोस्तों, आपको अब ये इस चीज़ के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर भाई साहब इसने वीडियो को एडिट कैसे किया, इसकी आउटपुट क्या है वो पहले दिखा दो। तो उसको भी दिखाएंगे, सारी ट्यूटोरियल्स भी आपको बताएंगे। बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और बहुत ज़्यादा पसंद आया ना यार तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बाकी लाइक तो करने वाले हो आप, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दोस्तों नमस्कार, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है? आपका बॉडी, आपका माइंड नेगेटिविटी को बड़ा जल्दी कैप्चर कर लेता है। ये क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी? तो दोस्तों, वो कहावत है ना यार कि एक अगर सफ़ेद कपड़ा है आपके पास तो उस सफ़ेद कपड़ा पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जैसे उस सफ़ेद कपड़े पर एक काला दाग छोटा सा भी आ जाए ना, तो सभी लोग की नज़र उस पूरे बड़े से सफ़ेद कपड़े पर नहीं जाएगी, बल्कि उस छोटे से काले धब्बे पर जाएगी, उस छोटे से काले दाग पर जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि नेगेटिविटी एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी बहुत जल्दी हमारे अंदर आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले बारी आई मेरे दोस्त कंटेंट ढूंढने की। अब देखो, जब बारी आती है कंटेंट ढूंढने की, जब बात आती है कंटेंट ढूंढने की, तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में सोचना पड़ता है कि भाई साहब किस प्रकार का मैं कंटेंट बनाऊं। और जब इस प्रकार का आपके दिमाग में आ जाए तो फिर ये ढूंढिए कि किस किस प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और ठीक ऐसा ही मैंने किया, मैंने इंस्टाग्राम पर गया और कुछ मोटिवेशनल पेजेस ढूंढे, उसके बाद वहाँ से मुझे कुछ कंटेंट मिल गए। ठीक, उस कंटेंट को मैंने लिखना स्टार्ट किया अपने नोटपैड पर, और उसके बाद उसे मैंने ऑडासिटी में बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया अपने फिफिन के K669B माइक्रोफोन की मदद से, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। फिर ऑडियो की पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद इसे मैंने आउटपुट दिया, बेसिकली इसको मैंने एक्सपोर्ट किया और अपने मोबाइल फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर एडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। बाकी एडिटिंग की सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ मैंने फुटेजेस भी फटाफट से निकाल ही लिए, pixels.com, pixabay.com और गूगल के माध्यम से कुछ फुटेजेस, कुछ पिक्चर्स निकाल ली, और यूट्यूब के माध्यम से। उसके बाद फिर मैं चला गया अपने काइन मास्टर पर, लेकिन उससे पहले मुझे फिर याद आया कि एक फ्रेम बना लिया जाए पिक्सल लैब पर, तो मैं पिक्सल लैब पर गया और एक फ्रेम फटाफट से बना लिया। फिर इसको मैंने PNG फॉर्म में एक्सपोर्ट किया और फिर काइन मास्टर पर गया जनाब। एवरीवन, मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन पर, और यहीं पर अपन लोग पूरी एडिटिंग करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो बने रहिएगा। सबसे पहले मीडिया के सेक्शन पर चले जाते हैं और जो जो हमने डाउनलोड किया था उसको एक एक करके इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको अभी अपन लोग रीऑर्डर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक एक करके सबको ओपन कर लेते हैं एंड देन ऑडियो सेलेक्ट करते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया था। ओके, सो मैंने यहाँ पर ऑडियो को भी जो है सो इंपोर्ट कर लिया है, एक बार आप सुन भी सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है? ये देखिए दोस्तों नमस्कार, इसको मैंने अभी आपको प्ले करके सुनाया, और साथ ही साथ अभी इसको मैंने भी सुना तो थोड़े बहुत दिमाग में फिर से एक बार आ गया कि अभी मेरे को कैसे टाइटल का रिपोजिशन करना है, क्या कुछ करना है। तो फटाफट से अब करेंगे क्या कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ चूज कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाउनलोड कर रखा था तो उसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको भी जरा रिपोजिशन कर देते हैं, इसको ट्रिम करके बेसिकली इसके म्यूजिक के जो साउंड है इसको वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक है बेसिकली। दोस्तों नमस्कार, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर, इसको फटाफट से जरा सेट कर लेते हैं, ट्रिम कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने एक पिक्सल लैब में रेडी किया था उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो उसके लिए हमें लेयर्स पर जाना है और मीडिया पर जाना है। ओके, सो इसे भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पर जाकर और फिट टू स्क्रीन कर देंगे, बहुत सही, और इसको एकदम बिल्कुल लास्ट तक लेकर चले जाएंगे। अब हमने एक ग्लिच ओवरले भी डाउनलोड किया था YouTube से, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा ग्लिच ओवरले। अब इसको करेंगे क्या, बेसिकली थोड़े से इसको स्पीड जो है इसका थोड़ा सा कम कर देंगे, बाकी टिक मार्क पर क्लिक कर देंगे, और इसके जो इसका जो ऑपेसिटी है, अल्फा ऑपेसिटी, इसको बेसिकली छिड़खानी नहीं करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर चलेंगे। देखिए नीचे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये रहा, इस पर हम क्या कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे, और इसको बस जैसा है वैसा ही रहने देंगे। ओपेसिटी थोड़ा सा कम ही कर लेंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, बहुत बढ़िया। अब प्ले करते हैं। दोस्तों नमस्कार, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी, बहुत सही दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट का प्लेसमेंट करते हैं फटाफट से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एज कम्पेयर टू, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी टेक्स्ट को मैं प्लेस करूँगा, उसके लिए प्लेस करूँगा और बैकग्राउंड में ब्लर कर दूंगा। तो कैसे ब्लर किया जाता है वो भी आप देख लीजिए। लेयर पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, बेसिक इफेक्ट पर जाकर गॉसियन ब्लर, दैट्स इट। ओके, एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी टेक्स्ट पर, देन यहाँ में लिखना है जो भी आपको लिखना है, पॉजिटिविटी में दिख रहा हूँ यहाँ पर, और इसका जो फॉन्ट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो फॉन्ट्स मैंने ये एसिस्ट स्टोर से डाउनलोड कर रखा है, यूट्यूब काइन मास्टर के एसिस्ट स्टोर से। थोड़ा इसको मैं शेडो वगैरह भी दे दूँगा ताकि थोड़ा सा लुक जो है इसका लुक वाइज थोड़ा प्रोफेशनल लगे, ठीक है। और इसके इन एनिमेशन पर चलेंगे हम, और एनिमेशन भी इसका जो है थोड़ा चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। किया है कि एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर निगेटिव, किया है कि एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी, अब यहाँ पर एक और इफेक्ट चलिए हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। अब करेंगे क्या, एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी, निगेटिविटी हमारे अंदर जल्दी हावी हो जाती है। इसका मतलब ये बेसिकली इसका थीम बताया जा रहा है कि जो टेक्स्ट है हमारा यानी पॉजिटिविटी, उसके ऊपर तो हम लोग टेक्स्ट में भी एडिटिंग के दौरान भी यही प्लेसमेंट करने वाले हैं, यानी पॉजिटिविटी के ऊपर निगेटिविटी लिखेंगे। अब ये कैसे होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, लेयर पर जाएंगे, फिर से इफेक्ट पर जाएंगे, वही बेसिक इफेक्ट, और एक और ब्लर इसके ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, बहुत सही। अब क्या करेंगे, जो ये पॉजिटिविटी है इसको यहाँ से, यानी कि जहाँ से हमें निगेटिविटी लिखना है वहाँ तक हम इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट बस, और जो बाकी बचा पार्ट पॉजिटिविटी उसके ऑपेसिटी को जरा कर देंगे कम, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लेस कर देंगे हमारा निगेटिविटी, ठीक है, और निगेटिविटी के फिर से वही सेम फॉन्ट रखने वाले हैं, एंड देन वही सेम शैडो भी रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, और इसके कलर को कोशिश करते हैं दोस्तों रेड कर देने की, ठीक है, ताकि ये थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा लगे। इसके लिए शेडो को हमें ज़रा वाइट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, और इसके स्ट्रोक को भी थोड़ा सा हमें वाइट करना पड़ेगा ताकि ये जो टेक्स्ट है ये ज़रा सही लगे, चलिए कुछ इस तरीके से। अब इसके भी इन एनिमेशन पर चलेंगे हम लोग, और इसका भी एक इन एनिमेशन कर देंगे, बहुत सही। चलिए अब फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं। है कि एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है, आपका बॉडी आपका माइंड निगेटिविटी को बड़ा, तो ये हमने कर दिया। यहाँ पर अब कुछ साउंड इफेक्ट का भी प्रयोग करेंगे, तो क्या करेंगे, लेयर पर चलेंगे, और हमने कुछ साउंड इफेक्ट डाउनलोड भी कर रखा था, बेसिकली ऑडियो पर चलेंगे और SFX वाले ऑप्शन पर जाकर वूस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये डाल देंगे, इसके साउंड को थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर देंगे। कंपेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर, बहुत सही, इसको फिर से डुप्लीकेट करके और फिर से इसके आगे प्लेस कर देंगे,
कुछ इस तरीके से। आपके अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो सारे टेक्स्ट को ट्रिम राइट करके सारे को ट्रिम करके हटा देंगे फटाफट से। चलिए हो गया हमारा काम। के अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है आपका बॉडी। ओके, तो यहाँ पर कुछ हम लोग ये प्लेसमेंट जो फुटेज है इनको भी ज़रा चेंज करते हैं, ताकि वीडियो जो है सो बहुत ही ज़्यादा स्लो ना लगे। और यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन भी अपन लोग यूज करने वाले हैं, लाइक दिस। ठीक है, ट्रांजिशन यूज करते वक्त आप देखिएगा कि ये जो फुटेज है जो है ये ज़रा सा पीछे आ गया, तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा पहले वाला फुटेज था इसको आगे कर देंगे, दैट्स इट। पॉजिटिविटी आपके अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है आपका बॉडी। ये देखिए प्लेसमेंट हमारा गड़बड़ा गया, नोटिस किया है कि एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी आपके अंदर निगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। आपका बॉडी, आपका माइंड निगेटिविटी को बड़ा जल्दी कैप्चर कर लेता है, ये क्यों होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव? ठीक है, तो साउंड इफेक्ट फिर से यहाँ पे ट्रांजिशन पर भी साउंड इफेक्ट यूज करते हैं। सही है, सही है, आ जाती है आपका बॉडी, आप जरा सा स्लो हो गया, ये आ जाती है आपका बॉडी। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से प्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। आपका बॉडी, आपका माइंड ट्रांजिशन के स्पीड को ही कम कर देते हैं, बहुत जल्दी आ जाती है आपका बॉडी। देखिए एडिटिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ध्यान देनी पड़ती है। आपका बॉडी, आपका माइंड नेगेटिविटी को बड़ा जल्दी कैप्चर कर लेता है, ये क्यों होता है? क्यों होता है, तो क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर कुछ हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। अगर आप YouTube पर जाकर सर्च करोगे या फिर कुछ फुटेजेस ढूंढोगे क्वेश्चन मार्क ओवरले, तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग टेक्स्ट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग टेक्स्ट का प्रयोग कर लेते हैं। फिर से बैकग्राउंड को ब्लर करना होगा, तो लेयर पर जाएंगे सेम इफेक्ट पर, एंड देन बूम। अब अगर ये ऊपर आ जा रहा है तो आप एक बार सेंड टू बैक कर सकते हैं, ताकि जो हमारा ऊपर वाला लेयर है यानी क्वेश्चन मार्क वाला लेयर है उसके एक लेयर पीछे चला जाए, सेंड टू बैक। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं हमारे साथ लाइव, तो फिर आपको यार हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी? तो दोस्तों वो कहा, देखिए यहाँ तक हमने प्लेस कर दिया, इसको फिर से राइट ट्रिम कर देंगे। कहावत है ना यार कि एक अगर सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही इफेक्ट, कुछ एनिमेशन यूज करने वाले हैं, मीडिया पर जाएंगे जो हमने डाउनलोड किया था, ये एक अगर सफेद कपड़ा है आपके पास, तो उस सफेद कपड़ा पर कोई ध्यान नहीं दे नहीं देगा, लेकिन जैसे उस सफेद कपड़े पर नहीं देगा लेकिन जैसे उस सफेद कपड़े पर एक काला, चलिए यहाँ पर दाग लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैंडराइटिंग पे जाके एक सर्कल चूज कर लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो अगेन आई वांट टू से कि यू हैव टू जॉइन आवर कोर्स बेसिकली। काला दाग छोटा सा भी आ जाए ना, तो सभी लोग
कि नज़र उस पूरे सभी लोग की नज़र उस पूरे बड़े से सफ़ेद कपड़े पर नहीं जाएगी, बल्कि उस छोटे से काले धब्बे पर जाएगी, उस छोटे से काले दाग पर जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि नेगेटिविटी एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी बहुत जल्दी हमारे अंदर आ जाती है। तो दैट्स इट गाइस, इस कुछ इसी प्रकार से आप कंटिन्यू अपने एडिटिंग को कर सकते हैं। एडिटिंग के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी, उन सारी चीज़ों को अप्लाई करते रहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में तभी आएगी जब आप अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश फील कराओगे, थोड़ा क्रिएटिविटी महसूस कराओगे। और ये तभी आता है जब आप एक्सपीरियंसेस गेन करते चले जाते हो, नई चीज़ों को सीखते चले जाते हो, और नई नई चीज़ें जब आप देखते चले जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत जल्द मिलूँगा आपसे एक और नई और कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ यार इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।